वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम करेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में। तो जैसे हमने पहले चैप्टर में क्या देखा था कि बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमने समझा था कि मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे हम मेटल का किसी भी मैटर का कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो ये हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब अगर हम बात करते हैं जैसे इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स इज अ फिजिकल चेंज बिकॉज दीज चेंजेस आकर विदाउट अ चेंज इन कम्पोजिशन और नो चेंज इन द केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंसेस। जैसे वाटर है, वाटर आपका थ्री डिफरेंट स्टेट में एग्जिस्ट करता है, आइस, वाटर लिक्विड एंड वाटर वेपर्स। तो ये क्या है, दे ऑल लुक डिफरेंट, बट इनका क्या है, डिफरेंट लुक करते हैं तो इनका क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, दे डिस्प्ले डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट केमिकली इनका नेचर जो है सेम है बोथ। अगर यहाँ पे हमने देखा वाटर के बारे में, अब अगर हम बात करते हैं वाटर एंड कुकिंग ऑयल की, बोथ आर लिक्विड बट दोनों का केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है, केमिकली दे आर डिफरेंट। जब हम बात करते हैं वाटर एंड ऑयल की, इनका ऑर्डर अलग है, इनकी इनफ्लेमेबिलिटी अलग है। जैसे हम सबको पता है कि जब ऑयल जो है इट बर्न्स इन एयर, एयर की प्रेजेंस में ऑयल जो आपका बर्न होता है, लेकिन वाटर जो है दैट इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश द फायर, आग बुझाने के लिए यूज करते हैं। सो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है ऑयल और वाटर की, वो इनको अलग अलग बनाती है। बर्निंग एक केमिकल चेंज है, बर्निंग प्रोसेस में हमने देखा था ना कि अगर आप किसी सब्सटेंस को बर्न करोगे तो उससे जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल प्रोडक्ट। तो बर्निंग एक केमिकल चेंज है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वन सब्सटेंस रिएक्ट विद अनदर टू अंडरगो अ चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। जो केमिकल चेंज है इट ब्रिंग्स चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर एंड वी गेट न्यू सब्सटेंसेस। केमिकल चेंजेस वही होता है कि जब मेटल का जो इनिशियल जो प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है, वो चेंज हो जाता है, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाते हैं, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाती है और वो कन्वर्ट होता है किसी नए प्रोडक्ट में। अब नया प्रोडक्ट है वो इनिशियल रिएक्टेंट से बिल्कुल अलग है। ए केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ ए कैंडल बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। होता क्या है, जब आपकी कैंडल बर्न होती है तो उसका साइज छोटा होता जाता है, वो आपका फिजिकल अपीयरेंस अलग अलग हो गया। और केमिकल चेंजेस क्योंकि उसका जो कैंडल में जो शुरू में कार्बन है या वैक्स है, उसका जो इनिशियल रिएक्टेंट है, अब जो उसका बर्निंग एस होगा, उसके जो वेपर्स होंगे वो डिफरेंट प्रोडक्ट होंगे, तो इसलिए उसका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अलग अलग हो जाता है, एक केमिकल रिएक्शन होती है। अब यहाँ पे हम इस सेक्शन से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज केमिकल और फिजिकल चेंजेस। जैसे कटिंग ऑफ ट्रीज, देखो कटिंग ऑफ ट्रीज में क्या होगा कि आपके जो है कटिंग ऑफ ट्रीज से दोनों चेंजेस होंगे, केमिकल भी और फिजिकल भी। फिजिकल चेंजेस कैसे हुए, क्योंकि अपीयरेंस चेंज हो गया। मान लो आपने स्टेम से ट्री को कट किया तो अपीयरेंस भी चेंज हो गया, और उसके जैसे पहले ग्रीन लीव्स थे फिर वो ड्राई लीव्स हो जाएंगे, अपीयरेंस चेंज हुआ, फिजिकल चेंजेस। लेकिन केमिकल चेंजेस, क्योंकि पहले जब आपका ट्री है वो रूट से कनेक्ट है, सोयल से कनेक्टेड है, तब तक उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है, उसका अपना फूड प्रिपेयर हो रहा है। लेकिन जब आप उसको कट कर देंगे, अगर आपने रूट से उसको डिसकनेक्ट कर दिया है, तो अब उसको जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए जो वाटर मिनरल्स की रिक्वायरमेंट थी वो उसको नहीं मिल रही है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा, तो केमिकल चेंजेस हो गए। सेकंड आप देखिए, मेल्टिंग ऑफ द बटर इन ए पैन। अब देखिए यहाँ पे मेल्टिंग हो गया, तो हीटिंग से आपने उसमें चेंज किया, जब आप उसको हीट करें, हमने क्या बताया था, हीटिंग आपका एक केमिकल प्रोसेस है, शुरू में जो रिएक्टेंट होता है उसको चेंज कर देता है कुछ प्रोडक्ट में। अब नेक्स्ट है आपसे पूछा है रस्टिंग ऑफ अलमीरा, हमने यहाँ पे बताया था कोरोजन प्रोसेस होता है ये, यानी कि आपका जैसे मेटल है आयरन, अलमीरा सपोज करो आपका आयरन से बना हुआ है, तो उसका ऑक्साइड होना, मतलब जब वो एटमोसफेयर के कॉन्टेक्ट में आता है मॉइस्चर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और होता क्या है कि जो आपका आयरन है वो आयरन ऑक्साइड बना देगा, जिसको हम बोलते हैं रस्टिंग। तो ये आपका कौन सा चेंजेज हुआ, आपका शुरू में जो मटेरियल का सरफेस था उसमें चेंज आ गया, रस्टिंग, केमिकल, केमिकल चेंजेस। नेक्स्ट आपसे पूछा है बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम। अब यहाँ पे देखिए, हमने अभी डिस्कस किया था कि जब वाटर आपका लिक्विड स्टेट में है या गैसियस स्टेट में है या सॉलिड स्टेट में, ये केवल आपका अपीयरेंस चेंज हो रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, लेकिन लिक्विड के जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम रहेंगे। पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड वाटर ब्रेक डाउन इंटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस। देखिए हमने क्या बताया था, अगर आपका रिएक्टेंट टूट जाता है, यहाँ पे वाटर आपका रिएक्टेंट था और वाटर में से जब आपने इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो इट विल चेंजेस इंटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो हम इसको क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन हुई, है ना, हाइड्रोजन गैस बनी, ऑक्सीजन गैस बनी, तो यहाँ पे आपकी कौन सी रिएक्शन हुई, एक केमिकल रिएक्शन हुई।
तो केमिकल चेंजेस हुए। नेक्स्ट आपका डिजोल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वॉटर, आपने NaCl को वॉटर में डिजोल्व किया, ये भी आपका क्या होगा, एक केमिकल रिएक्शन होगी, क्योंकि NaCl प्लस H2O आपका क्या बन जाता है, HCl प्लस NaOH। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे मेकिंग द फ्रूट सैलड विथ रॉ फ्रूट्स एंड ओके। नेक्स्ट आपका पूछा है कि आपने कच्चे फल लिए और उनसे फ्रूट का सैलड बनाया, तो आप ये बताइए, केवल आपने फल लिए थे, फल ऑलरेडी आपके पेड़ से टूटे हुए हैं, बस आपने उनको कटिंग किया है, तो अगर वो मैं यूं कहूँ कि अगर मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में नहीं आते हैं तब तक उनका कोई केमिकल रिएक्शन अगर नहीं होता है, केवल फिजिकल चेंज होगा, बट अगर आपका जो कटा हुआ पार्ट है वो मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आता है, एयर में प्रेजेंट जो मॉइस्चर है उसके साथ कॉन्टेक्ट में आता है, तब केमिकल रिएक्शन हो सकती है। बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, आप पेपर जलाएंगे वुड जलाएंगे तो ऑब्वियसली केमिकल चेंजेस। अब नेक्स्ट आपसे पूछा है ट्राई सेग्रीगेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, यानी कि आपको क्या करना है, अपनी सराउंडिंग में जो थिंग्स हैं उनको ऑब्जर्व करना है, और आपको जो प्योर सब्सटेंसेस आपको मिले उनको अलग रख लेना है, और जो सब्सटेंसेस आपको एज ए मिक्सचर दिखते हैं उनको अलग करना है। तो आप कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे बता सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, जय हिंद।